अमरोहा के थाना मंडी धनौरा पुलिस ने युवक की हत्या की घटना का खुलासा कर प्रेम प्रसंग को लेकर हत्या करने वाले मृतक के चार दोस्तों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशादेही पर आला डंडा बरामद किया गया। आपको बता दे कि मोनू त्यागी पुत्र स्वर शून्य पंकज त्यागी निवासी ग्राम मलकपुर भूत शुमाली थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा के गुम हो जाने के संबंध में 1 जनवरी को थाना मंडी धनौरा पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके पश्चात 2 जनवरी को मोनू त्यागी का शव मलकपुर भूत शुमाली नहर पटरी पर झाड़ियों में मिला था। मृतक के दादा लवराम पुत्र शिवचरण सिंह निवासी मलकपुर भूर शुमाली द्वारा अपनी पुत्री चंचल व उसके पति बबलू पुत्र राकेश निवासी ग्राम लुहारपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर पर मोनू की प्रॉपर्टी के विवाद में हत्या कर शव को नहर की पटरी पर फेंकने संबंधी आरोप लगाते हुए थाना मंडी धनौरा पर तहरीर दी गई, जिसमें घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना मंडी धनौरा को गहनता से जांच करने व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में CDR व अन्य साक्ष्य संकलन व पूछताछ के आधार पर मोहित उर्फ मोदी पुत्र महीपाल सिंह, कपिल पुत्र लाल सिंह, मौशून्य फैजान पुत्र शहबुद्दीन निवासी ग्राम मलकपुर भूट शुमाली थाना मंडी धनौरा जनपद अमरोहा व एक बाल अपचारी अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया, जिनको मंगलवार की प्रातः थाना मंडी धनौरा पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम कमेलपुर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर झाड़ियों से आला डंडा बरामद हुआ। ये डेड बॉडी नहर किनारे जो हमारा शुमाली मलकपुर सुरामी गांव है, नहर की पट्टी किनारे डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी की पहचान मोनू त्यागी जो कि लड़की के रूप में इसकी पहचान हुई थी, और इसके दादाजी ने तहरीर दी थी जिसमें इन्होंने अपने ही पुत्री और अपने दामाद को नामजद किया था। तो इसमें पंचायतनामा कार्रवाई करने के बाद उपरांत हमारी टीम इस खुलासे में साक्ष्य संकलन में लगी हुई थी। उसी दौरान हमारे थाना प्रभारी में एक तथ्य प्रकाश में आया, जिसमें कि मालूम चला कि एक लड़की के रिलेशन के कारण कुछ मामला है। तो उसमें उन्होंने आगे डेवलप किया और इसका एक सफल अनावरण करते हुए इस पूरे मुकदमे की तहरीर में यू टर्न आया, जिसमें कि 4 लड़के, जिसमें कि एक अपचारी बाल अपचारी भी है, और मोहित, कपिल और फैजान, इनकी गिरफ्तारी हुई और इनका कन्फेशन भी हुआ। इन्होंने बताया कि एक लड़की जो कि इनके संपर्क में थी, उसकी दोस्ती के कारण इनमें आपस में मोहित से काफ़ी कसीदगी थी, और मोहित के द्वारा एक प्लान बनाया गया जिसमें इन बाकी तीनों लोगों ने सहयोग किया और इसका एक डंडा मारा और गला दबा के इसकी हत्या करते हुए नहर पट्टी किनारे वहाँ झाड़ियों में इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। आज इन तीनों को, चारों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है, और ये एक धनौरा टीम का एक अच्छा ग्राउंड लेवल वर्क था जिसमें उनके द्वारा सफल अनावरण और सही मुलजिमों को जीत दिया। सर, ये जो आरोपी हैं चारों कहाँ के हैं? ये चारों एक ही गांव के हैं, यही गांव के हैं, मलकपुर शुमाली के ही हैं, वहीं के रहने वाले हैं और एक दूसरे से परिचित भी हैं। क्या लोगों का आपराधिक इतिहास भी है सर? आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये लोग एक ही एज ग्रुप के हैं, बस सब 20 के अंदर के ही हैं, 20-22 के अंदर के। तो आपराधिक इतिहास ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनका मोटिव एक लड़की की दोस्ती को लेके था, तो ये घटना करेगी।